शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हमें विश्वास नहीं होता है सिड कि सिड वो तुम्हारा बच्चा है, नहीं है ना? बोल दो सिड, एक बार बस बोल दो, तुम जो कहोगे हम वो मानेंगे। बोल दो सिड, बोल दो कि वो बच्चा तुम्हारा नहीं, प्लीज बोल दो सिड। नहीं है ना कोई जवाब? बोलो ना सिड, नहीं है जवाब? हम इस घर में रह रहे थे क्योंकि एक रिश्ता था, तुमसे रिश्ता था, और अब जब हमारा तुमसे कोई रिश्ता ही नहीं है तो किस हक से इस घर में रहे? सिड जाओ यहां से, सिड हमने कहा जाओ यहां से, हमें तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। आशी मुझे नहीं याद उस रात क्या हुआ था। आशी के साथ सारे रिश्ते तोड़ के इस डिंपी से तुम्हें ब्याह करना होगा। हमारा अतीत, हमारा आज और हमारा होने वाला कल सब आप और काकी है। हमें बस जिंदगी में आपको बहुत सारी खुशियां देनी है। आप खुश है तो हमारे चेहरे पे मुस्कान अपने आप आ जाएगी। दिमाग तो ठीक है, तो आशी को छोड़कर डिंपी से शादी कर रहा है कैसे यार? प्यार करता है ना तो आशी से? क्या कुछ नहीं किया उसको पाने के लिए और तो उसे ही छोड़ रहा है? मैं तुझसे बात कर रहा हूं। तो मैं क्या करूं? जिंदगी ने ऐसे मोड़ पिला के खड़ा कर दिया है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। डिंपी की कोख में मेरा बच्चा। तो श्योर है ना कि वो तेरा ही है? मैं श्योर हूं, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है उस रात का। मैं होश में ही नहीं था, क्या करूं? और तूने ही कंफर्म किया ना कि उस रात डिंपी मेरे रूम में थी, मेरे रूम से निकली है? तूने ही कंफर्म किया ना? मैं क्या करूं यार, मैं आशी से नजरें नहीं मिला पा रहा हूं यार। बहुत बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, और ऐसी हालत में डिंपी को अकेले कैसे छोड़ दूं?
खुश रहो। काकी माँ, जाने अनजाने में कभी भी हमने आपका दिल दुखाया हो तो हमें माफ करना। आशी, वैसे तो आई डोंट लाइक यू, लेकिन तुम्हारी केयर तो है यार। अगर तुम चले गई तो मेरी चीजें कौन हैंडल करेगा? आई मिस यू। फिर तो हमें छोड़ के जा रही, कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना? देख, हम पास रहे या दूर रहे, दिल के रिश्ते कभी टूटते नहीं है। और फिर देखते हैं, किस्मत में रहा तो फिर मिलेंगे। ठीक है, खुश रहो। हमने विनोद को बुलाया है, वो तुम्हें लेने आता ही होगा। आशी, हमें माफ कर दे बेटा। हमने तुम्हारी माँ को वचन दिया था कि हम तुम्हारी जिम्मेदारी उठाएंगे, लेकिन लेकिन तुम अपना वचन निभा नहीं पाए। बहुत छाती ठोक के बोला था ना, आशी को अपनी बेटी बना के रखेंगे, रख लिया। विनोद, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ये देखना पड़ेगा। लेकिन हमने सोचा था और कहा भी था, बड़ा होकर तेरे बेटे को कोई और पसंद आ गई तो, कल कुणाल को और कोई पसंद आ गई तो, जाओ जाओ अपने घर जाओ, हम संभाल लेंगे अपनी बेटी को। और हम उन दोनों का ब्याह रचा देंगे। लेकिन तुमने बचपन में उनका ब्याह रचा दिया, याद है या भूल गए? अरे आशी तो हमारे लिए उसी दिन पराई हो गई थी जिस दिन हमने उसका कन्यादान किया था, अपने घर से तुम्हारे घर भेजा था। अब इसे अपने घर वापस ले जाकर जगह सही कराएंगे, क्या कहेंगे लोग? देखो प्रधान जी, गांव को मान मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाला, नीति नियम सिखाने वाला, उसकी बेटी ससुराल जाती है तो उसकी अर्थी निकलती है, क्या बोलेंगे लोग? लो, प्रधान जी की बेटी की किस्मत तो अर्थी से भी बुरी निकली। न कुंवारी दुल्हन रही और न ब्याहता पत्नी। अमित, तुम जानते हो हमारा रुतबा, हमारा नाम, रिश्तों से बढ़कर हमारा मान, हम इसे टूटने नहीं देंगे। हमने तो बेटी को कब का विदा कर दिया था, और जिस दिन विदा किया हमारी जिम्मेदारी खत्म। अब तुम इसे अपने घर लाए, बहू बनाया, इतने दिन घर में रखा, अब तुम जानो और तुम्हारी बहू जाने। तुम्हारे घर की बात
तुम्हारे घर के हालात तुम जानो। आशी हमारे लिए पराया धन है, अब इस धन को तुम घर पे रखो, बाहर निकालो, जहर देके मारो या खर्चा करो, इससे हमें कोई मतलब नहीं।